दस्तावेज यूट्यूब चैनल पर तुहाडे अपने ही दोस्त निरंजन बोहा वालों तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों जिवें कि तुसीं सारे जानते हो कि इस चैनल पर हर बुधवार वाले दिन असी पंजाबी साहित्य की किसी नवी ते चर्चित हुई पुस्तक बारे तुरी चर्चा नूं होर अगे तोरन की कोशिश करते हैं। इस लड़ी नूं जारी रखदिया अज आपां गल करांगे साडे प्रबुद्ध गजलगो ते दोहाकार अमर सूफी दे हुणे छप के आए दोहा संग्रह राज करिंदे राजा बारे। दोस्तों आपां सारे ही जानते हैं कि दोहा पंजाबी साहित्य की पुरातन काव्यता है। परंपरागत रूप च इस विधा का संबंध धार्मिक जा भगती साहित्य संगीत नाल रहा है, पर बदलते समय के संदर्भ च जीवन के नवे भावबोध भी इसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बनन लग पे ने। पंजाबी गज़ल वार्तक ते बाल काव्य के खेत्र च उकड़वी पहचान रखण वाले लेखक अमर सूफी ने इस पुरातन काव्यता नवे विचारधारक नज़रिए अनुसार पेश करन दे मामले च विशेष ही सफलता हासिल कीती है। उस दी हथली पुस्तक राज करिंदे राजा तो पहला वो एक वार्तक पुस्तक निक्की जिही गल ते एक बाल काव्य संग्रह बीबे राणे पंजाबी साहित्य दी झोली पा चुके है। इस दोहा पुस्तक विच लेखक ने 678 आधुनिक दोहे शामिल किए ने। ये दोहे समाजिक ते राजनीतिक खेत्र दीआं समकालीन स्थितियां नाल वाबस्ता हुंदिआं इस दी अंदरूनी वास्तविकता नूं उघेड़न दा कारज बाखूबी करदे ने। दोस्तों इस पुस्तक विचले दोहे राजसत्ता ते स्थापती वल्लों सिरजे सत्ता प्रवचन दे समांतर एक इहो जिहा लोक प्रवचन सिरजदे ने जो सत्ता दे प्रवचन की घाट भी करदा है ते सत्ताधारी लोकां नूं लोक सत्त विच जवाबदेह भी बनाउंदा है। जदों देश की राजसत्ता का प्रवचन लोकां दी बजाए उन्हां दे हक्कां ते हितां दा घाण करन वालियां जोकां दे हक च भुगतदा है तां शायर सूफी वल्लों सिरजिआ लोक प्रवचन उस दे राह दी रुकावट बणदा है। जदों सत्ता पक्ष धरती नूं मां ते पाणी नूं पिता समझण वाले लोकां कोलों एक कुदरती सोत खो के कारपोरेट जगत दे हवाले करना चाहुंदा है तां इह लोक प्रवचन उस नूं चेतावनी दिंदा है कि इन्हां स्रोतां नाल मानसिक तौर ते जुड़े किसान ते मजदूर किसी भी कीमत ते उस दे इरादे की पूर्ति नहीं होण देणगे। संग्रह दा प्रवेश द्वार बनिया पहला ही दोहा कुदरती स्रोतां उत्ते किसान मजदूरां दे हक्कां दी पैरवाई करदिआं सत्ता पक्ष नूं चेतावनी दिंदा है कि वह लोक हक्कां नूं भीख समझण दा भुलेखा ना खावे। ये गल उस नूं महंगी पै सकदी है। राज करिंदे राजिआ करदे गल नसंग हक असीहां मंगदे भीख रहे ना मंग। दोस्तों इस पुस्तक विचले
हर दोहे की शुरुआत राज करेंदे राजिया की संबोधनी सुर नाल शुरू हुंदी है। इस सुर सहज संबंधी नहीं सगों तलखी भरपूर है। जदों राज करदा राजा जनता द्वारा वोट प्रणाली राही चुनिया हो के भी लोकां दी बजाए उन्हां दा खून चूसन वालियां जोकां दा पक्ष पूरन लग पवे तां लोकां दी धिर बनन वाले किसे लेखक दे उस नाल संबंध सहज रह ही नहीं सकते। राजा लोकतंत्र दा प्रपंच रच के लोक हितू होण दा भरम सिरजण दी कोशिश करदा है तां सूफी दे दोहे अजोके लोकतंत्र दे अलोकतंत्री व्यवहार दे बखिए उधेड़ के उस नूं लोक कचहरी विच जवाब दे बनाउण दा राह चुणदे ने। इह दोहे सूबे तों लै के केंद्रीय सत्ता तक दे राजियां वालों लोकतंत्री भावनावां नाल कीते खिलवाड़ दा कच्चा चिट्ठा पेश करदे ने तां पाठकी मना विच अजोकी राज सत्ता प्रति मोह भंगता दे भाव पैदा होण लगदे ने। राज करिंदे राजिया सच विखावे रंग अणख जमीरां वालड़े छड़ी जांदे संग। दोस्तों राज सत्ता ते कब्जा कर चुके जां कब्जा करन दी इच्छा रखण वाले हर तरह दे सियासी राजियां नूं लेखक इक्को जिही कैरी नज़र नाल वेखदा है। किहड़ा राजा किस सियासी धिर नाल जुड़िया है दोहाकार नूं इस गल नाल कोई सरोकार नहीं सगों वह हर राजे की कारगुजारी का लेखा जोखा उस दे लोक पक्षी जा लोक विरोधी किरदार अनुसार करता है। इसलिए कांग्रसी भाजपाई ते अकाली सारे तरह के राजे बिना किसी भेदभाव तो उस दियां अखां दी रड़कन ने। इस दोहा लड़ी का आखिरी दोहा वख वख सियासी धिरां नाल संबंधित राजियां नूं चेतावनी भरी समझौती देंदा है कि जे लोक उन्हां दियां लोक विरोधी नीतियां तो आकी हो के चेतन ते संगठित संघर्ष उसारन दे राह पै गए तां उन्हां ते उन्हां दियां भाईवाल कारपोरेट जगत रूपी लहू पीणियां जोकां दा खात्मा यकीनी हो जाएगा। राज करेंदे राजिया वड्डी ताकत लोक सूफी पौंदे भाजणा तोड़ पकाउंदे जोक। दोस्तों ये दोहे इस पुरातन विधा दे काव्य शास्त्री नज़मां ते पाबंदियां दी इन्नी कड़ाई नाल पालना करदे ने कि मरहूम लोक शायर महेंद्र साथी उस दी कला पुखी दे मान करदा है ते शायर सुलखण सरहदी उस नूं पिंगल ते अरूज दा प्रबुद्ध ज्ञाता मनदा है। दो शतरां दे तुकान दे मेल राही लेखक भारतीय राजनीति दियां बहुत सारियां डूंघियां रमज़ां नूं पेश करन च सफल रहा है। गंभीर ते संजीदा व्यंग उस दे दोहा संसार दे विचार प्रबंध नूं तिखा ते प्रभावशाली बनाउण च सहाई बनिया है। मैं नामवर शायर सूफी दी इस दोहा मटकी दा दिलों मनों स्वागत करदा। धन्यवाद।